ये वाराणसी है, आधा जल में है, आधा मंत्र में, आधा फूल में है, आधा शव में। ये गलियों, घाटों, ओघड़ों, फक्कड़ों और संगीत की नगरी है, दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक। लंबे समय तक उदासीनता झेलने के बाद पिछले 4 वर्षों में सजती, संवरती और निखरती महादेव की नगरी। शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर वाराणसी इलाहाबाद मार्ग यानी NH2 पर टंगहरिया गांव में एक छोटी सी मुसहर बस्ती है। शबरी के ये वंशज यहां 200 सालों से रह रहे हैं। कभी गरीबी का आलम ये था कि चूहे पकड़कर और दूसरे के खेतों में अनाज बीनकर इनके घर का चूल्हा जला करता था। इनके बुजुर्गों में से एक 70 वर्षीय सुदामा देवी ने यहां के हालात बदलने की ठान ली। उम्र की परवाह किए बिना कृषकाय सुदामा सुबह से अपने समाज को जागरूक करने में जुट जाती हैं। आखिरकार सुदामा की मेहनत रंग लाई। समाज और प्रशासन सभी ने मिलकर इस मुसहर बस्ती की रंगत बदल दी। कच्चे घरों की जगह प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के पक्के मकानों ने ले ली। कच्चा चूल्हा LPG में बदल गया। स्वच्छ शौचालय नियमित दिनचर्या का हिस्सा हो गए। यही नहीं, आय बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। आज बदलाव इनके मुस्कुराते हुए चेहरों पर दिखता है। नजीर बनारसी ने ठीक ही कहा है, न देखो पीछे, आगे बढ़ने वालों का समा देखो, गुबारे कारवां देखो। किसानों और मजदूरों की अब ताबो तवा देखो, गुज़श्ता कल को छोड़ो, आज का हिंदोस्तां देखो।